वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हैं। पीछे से आ रहा था गाना का आवाज़, इसलिए मैं अपना आवाज़ को काट चुकी हूं। तो चलिए आगे देखिए आज के ब्लॉग में होता क्या क्या है। क्या कर रहे कुटो? हे भगवान, कपड़ा खा रहा है। देख रितु, देख कुट्टू क्या कर रहा है। मारेंगे तो बोलेगी कि मारती है मेरा बच्चा को, क्यूट बच्चा को, हैंसम बच्चा को। देख देख रही है कट्टू, नहीं करो। बाप रे, हो गया एकदम इनोसेंट है वो, कैसे बैठ गया। उफ, कुछ नहीं किया है, एकदम कुछ नहीं किया है। देखो देखो ये कपड़ा खिला रही है। अरे उसको भूख लगा होगा, सब्जी चावल दो जाके। इसको पसंद नहीं करता उसको। जा जा जा, उसको भी नोच खाएगा, छोड़ो। खा जाएगा, अरे खा जाएगा, हटा। करती हूँ तो, और आज है गुरुवार, और गुरुवार के दिन ही मेरा सफाई हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऐसा होता है कि जो दिन, जिस दिन नहीं करना रहता उसी दिन झाड़ू उठ जाता है, तो हो गया। होने के बाद पता चल रहा है कि आज है गुरुवार, खैर हो गया क्लीनिंग, और क्या कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग पे भी आप लोग बने रहिएगा, अच्छा लगने वाला है। तो चलिए पहले मेरे कुट्टू को देखिए क्या क्या वो हरकतें करता है। यहाँ तक तो दिखाई थी, यहाँ तक चेंज हुआ था, उसके बाद यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे दो अलमारी था जो अब यहाँ पे रख दिया गया है, इस तरह से इस छज्जी के ऊपर में, नीचे में रख दिया गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि रात को आ गया था, शाम को मेढक आ गया था, घर के अंदर घुस गया था, मेढक घुस गया था, तो मेढक को भगाने के लिए इस तरह से पूरे घर को पूरा चेंज करना पड़ गया कि किस तरह से घूमे, क्योंकि वो जहाँ जा रहा था चिपक जा रहा था और हट नहीं रहा था, भाग नहीं रहा था। और आज है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन वीडियो लेकर के आ गई, क्योंकि कल कुछ भी ज़्यादा नहीं ले पाई। कल छोटा सा पार्टी था, वहाँ चली गई थी, और किचन में भी मेरा काम पड़ा हुआ है। और इसकी दादी, मेरी सासू माँ चिल्लम चिल्ली खुद से ही बातें कर रही हैं, कुकू यहाँ पढ़ रही है, पढ़ 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 मुँह देखने लगती है। आ गई किचन में, क्योंकि किचन का क्लीनिंग बाकी था और मेरा दूध भी गिर चुका था, गैस साफ़ करना ज़रूरी हो गया था, और सब्जी वगैरह बनाई थी तो टाइल्स पे छींटा वगैरह पड़ गया था, तो वो तो डेली का काम है, दोनों टाइम साफ़ करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले चूल्हे को साफ़ करूँगी और दूध फ्रिज में डालूँगी, क्योंकि दूध बाहर रह जाने से अभी बहुत गर्मी है, तो दूध फटने का पूरा चांस था, और मेरा चावल बच गया था, तो चावल को भी खाली करके फ्रिज में डालूँगी। सिंक में बर्तन भी बहुत सारा पड़ा हुआ था, तो पहले सिंक का बर्तन भी साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे खाना में भी लगूँगी, क्योंकि बेटी को लाने जाना रहता है, तो उस टाइम पे मुझे पूरा खाना बना करके जाना पड़ता है, सब्जी से लेकर के रोटी सब, क्योंकि आते आते मेरा 10 बज जाता है, तो 10 बजे आ करके फिर थकान हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। और सासू माँ को तो सबसे पहले देना पड़ता है बना करके, तो सब चीज़ बना करके जाऊँगी, आऊँगी बस सबको खाना निकाल करके दूँगी, इसीलिए। मेरी बेटी को हलवा बहुत पसंद था, तो सबसे पहले उसके लिए हलवा भी बनाऊंगी, ताकि
चलिए जी, इसी मीठा हलवा के साथ में आप सब से लेती हूँ विदा।